हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सज्जन सिंह राणावत और आपके लिए लेकर आया हूं एक और हकीकत जो आपको सुनाने जा रहा हूं। वो हकीकत यह है कि आजकल शादियों का माहौल चल रहा है और बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है और वो लड़कियों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों को लड़कियां मिलनी मुश्किल हो गई है। तो कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो ऐसे काम करवाते रहते हैं एज ए एजेंट बनकर, यानी बिचौलिया बनकर। तो वो माजरा क्या है आप समझिए जरा। पहली बात तो यह है कि उन लोगों को इस बात की भनक लग जाती है कि आपके परिवार में कोई सदस्य कुंवारा है, तो वो एक रिश्ता लेकर आता है और कहता है कि फला जगह एक लड़की है, इज्जतदार घराने की है, लेकिन एक शर्त है, लड़की वाले गरीब घर के हैं, इसलिए आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। मदद के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत पैसों की जरूरत है, उनके घर में उनकी बूढ़ी माँ बीमार है। तो इस तरह फिर लड़के वाले कहते हैं कि वो तो सब ठीक है, पर एक बार लड़की का फोटो दिखा देते तो अच्छा होता। तो बिचौलिया कहता है कि मैं अभी फोटो व्हाट्सएप पे मंगाता हूं। वो व्हाट्सएप पे फोटो मंगा कर दिखाता है, लड़के वालों को लड़की का फोटो पसंद आ जाता है, परिवार में वो फोटो सबको दिखाया जाता है, सबको लड़की पसंद भी आ जाती है, लेकिन वो मांग करते रहते हैं कि आप जितने जल्द हो सके उसकी बीमार मां को ठीक कराने की मदद कीजिए, बाकी की बातें बाद में हो जाएंगी। इसके लिए उन्होंने कहा है कि कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा है, तो आप मुझे वो रकम अभी दे दीजिए ताकि मैं उन्हें जाकर दे सकूं। लड़के वालों ने भी अपने दिमाग से काम लिया कि क्यों ना हम अपने रिश्तेदार से खुद जाकर मिलें, चलो हम भी चलते हैं। तो बिचौलिया ने थोड़ा सोचा और कहा, नहीं अभी आप रुक जाइए, अभी इतने जल्दी करना ठीक नहीं है, मैं जाकर उनकी मदद कर देता हूं और आपका समाचार भी उन तक पहुंचा दूंगा कि वो आने वाले थे लेकिन किसी जरूरी काम से नहीं आ सके। इस तरह बिचौलिया ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से उनको मनाया। मनाया क्या दोस्तों, बात दरअसल ये थी कि फोटो तो आजकल इंटरनेट पर कहीं से भी मिल जाते हैं, जैसे तैसे पैसे ऐंठना था तो पैसे ऐंठने की उसने कोशिश की, लेकिन लड़के वाले पहले से ही धोखे खा चुके थे। तो लड़के वालों ने दिमाग से काम लेते हुए कहा कि हम अपने संबंधी से मिलते हैं। जब उन्होंने अपने बीमार संबंधी से मिलने की बात कही तो बिचौलिए को शक हो गया कि ये संबंधी से मिलना चाहते हैं जबकि कोई संबंधी था नहीं, क्योंकि किसी न किसी तरह से उन लोगों को जाल में फंसाना था। बाद में जाकर ये मना कर देते हैं कि अरे यार उन्होंने तो मना कर दिया शादी के लिए, अभी वो शादी के लिए राजी नहीं है, लेकिन जो पैसे उन्होंने मदद के लिए दिए थे वो पैसा भी उनको नहीं देगा। ऐसे बहुत से किस्से हैं, कोई लड़का कहता है कि मुझे लड़की की जरूरत है, मैं सब कुछ मदद करूंगा, तो फटाक से व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि उनकी बीमार माँ है, उनकी सहायता करनी है, तो उनको इतने रुपए की जरूरत है और आपका रिश्ता तो होना ही है, मुझे पता है कि आप उसी लड़की के लिए बने हो, तो आपका रिश्ता तो मैं करवा के रहूंगा, पर एक बार उनको आपकी मदद की जरूरत है तो आप मदद कर दीजिए। मदद और न तो कोई बीमार है न कुछ है, लड़कियों के फोटो दिखा दिखा के लड़कों को ललचाते हैं, लड़कियां पसंद करवाते हैं, पैसे ऐंठते हैं, तो जरा होशियार रहिए। पैसे वाली लड़कियां, जो खरीदी हुई लड़कियां, कभी एक घर में नहीं टिकती है। जो जितना पैसा दे रहा है वो उधर अपना रुख कर लेती है, क्योंकि रिश्ता करने वाला कभी पैसा नहीं मांगता है। अभी तो हम उनसे पैसा ले रहे हैं लेकिन आगे जाकर वो अपना
परिवार बन रहा है। ये बात उन्हें भी मालूम है और सामने वालों को भी मालूम है, लेकिन बिचौलिया सक्रिय रहता है और वो दोनों तरफ से पैसा ऐंठता है। लड़के के परिवार वालों से भी पैसा ऐंठता है और लड़की के परिवार वालों से भी पैसा ऐंठता है। तो सचेत रहिए, बिचौलियों के चक्कर में पड़कर लड़कियां न ढूंढे, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। तो सचेत रहें। जय हिंद, जय भारत।